नमस्ते सस्रकाल आदाब वनकम। माय नेम इज प्रतीक्षा जैन एंड आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट अन अकेडमी व्हिच इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। सो यू नेम अ कोर्स एंड अन अकेडमी ऑफर्स यू दैट कोर्स। Whether you want to study math, science, SST, Hindi, English from class 1 to class 12, or if you wish to prepare for some competitive exams like UPSC, UGC, NET, NEET, JEE Mains, any of these exams, An Academy offers you course on all of these subjects and all of these exams. So what are you waiting for? Just download the An Academy app, enroll yourself to any of the course of your choice, and do not forget to use my code PJAIN10. Because of that, you will get straight away 10% discount. जी हाँ, अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे तो सीधा सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिलता है कोई भी कोर्स पे जो आप An Academy पे पढ़ना चाहते हैं। And you get to learn from the best and you learn the best. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि An Academy के जितने भी एजुकेटर्स हैं, दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एंड दे आर हाईली क्वालिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। जी हाँ, तो लर्न द बेस्ट एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एंड An Academy के जितने बेनिफिट्स हैं वो बोलते बोलते शाम हो जाएगी, लेकिन बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे। तो यू गेट अ पर्सनल मेंटर, आपको अपनी प्रोग्रेस की वीकली रिपोर्ट्स मिलती हैं, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको स्टडी प्लान मिलता है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। टाइम वेस्ट मत कीजिए, An Academy का आप अभी के अभी डाउनलोड करिए, एनरोल योरसेल्फ एंड यूज माय कोड PJAIN10। नाउ मूविंग अहेड, मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। सो माय नेम इज प्रतीक्षा जैन, आई एम वन ऑफ द एजुकेटर्स एट An Academy। I teach social science to grade 7 at An Academy. I have done my Bachelor of Arts in Psychology from Delhi University. Now, we will talk about Chapter 4, which is Air of Geography. अब हम चैप्टर तो पढ़ लेंगे एयर क्या होता है, बट बहुत जरूरी है हम पहले ये टर्म समझें कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है। What does this term geography actually mean? देखिए क्या होता है, मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी, आप पढ़ लेंगे एंड देन आप एग्जाम दे के भी आ जाएंगे और हो सकता है मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाए, बट इससे हमारी नॉलेज नहीं बढ़ रही है। अगर जब तक हमें यही नहीं पता कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या होता है, तो देन आर नॉलेज इज ऑब्वियसली इनकम्प्लीट। सो फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट डज ज्योग्राफी मीन एंड देन वी विल मूव अहेड विद आवर चैप्टर। सो ज्योग्राफी इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, दैट इज जियो प्लस ग्राफी। जियो का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। सो अगर मैं लिटरल सेंस में बात करूं, सो ज्योग्राफी बेसिकली मीन्स राइटिंग अबाउट द अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, बट व्हेन आई कंबाइन दीज टू वर्ड्स दैट इज जियो एंड ग्राफी एंड मेक इट ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। सो अर्थ के बारे में कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू अर्थ, कॉन्टिनेंट, ओशंस, या अर्थ की कितनी लेयर्स हैं, क्या वेजिटेशन होती है, everything related to earth comes under this subject geography. So next time आप जब भी geography की book खोलो या जब भी ये word सुनो geography, आपको सीधा click होना चाहिए that geography means study of the earth. Now we'll start with our chapter, air. So earth के around एक huge blanket of air होता है। कहने का मतलब है कि जो earth है इसके चारों तरफ एक थिक लेयर होती है एयर की, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी होती है, एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल, एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस विद आवर सर्वाइवल। इट्स वेरी ऑब्वियस, द एयर दैट वी ब्रीथ इज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो व्हाट विल बी यू नो इनहेल एंड एक्सहेल, व्हाट विल बी ब्रीथ। So for our survival, atmosphere is extremely important. Then second is, it protect us from the harmful rays of the sun. जो sun की जो rays होती हैं वो बहुत harmful होती हैं। अगर हम direct contact में आ जाएं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई skin infections हो सकते हैं, like skin cancer या skin diseases हो सकती हैं, या फिर earth सन इतना पावरफुल होता है, उसकी रेस इतनी पावरफुल होती है दैट इन केस इफ वी कम डायरेक्ट इफ इफ इन
इफ वी कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सन देन हम जिंदा मर भी सकते हैं बिकॉज द रेज आर सो पावरफुल कि हम मेल्ट हो जाएंगे, हम जिंदा मेल्ट हो सकते हैं. सो फर्स्ट इट हेल्प्स अस विद सर्वाइवल, सेकेंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. नाउ थर्ड इज इट मेंटेन्स अ टेम्परेचर. एक जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, ये एटमोसफेयर ही टेम्परेचर मेंटेन करता है. सो इट मेक्स अ लिवेबल कंडीशन फॉर अस टू लिव ऑन अर्थ. सो दैट्स वाई एटमोसफेयर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, प्लस ये अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करता है. नाउ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफेयर. ये जो एटमोसफेयर है ये किन गैसेस से बनी है. सो एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन 78%. ये जो एटमोसफेयर है इसमें 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है. इसके अलावा ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 21%, आर्गॉन इज प्रेजेंट इन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 0.03%, और जितनी भी और गैसेस हैं दैट मेक्स अप 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इसके अलावा जो अदर गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है. वहीं एटमॉस्फेयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम अपनी आई से तो नहीं देख सकते, बट दीज डस्ट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एयर. सो दैट इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं, और हर गैस अलग अलग क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. नाउ वी मूव अहेड टू दीज गैसेस. हम क्विकली ये जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीन गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद नाइट्रोजन. सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, लाइक वी जस्ट स्टडीड, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्वांटिटी. एटमॉस्फेयर का जो 78% है वो नाइट्रोजन से ही बना है. अब वो एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा प्रेजेंट है दैट इवन वी इनहेल एंड एक्सहेल सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. हमें पता नहीं चलता ऑब्वियसली, बट हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में नाइट्रोजन जाती है बिकॉज इट्स सो अबंडेंटली प्रेजेंट इन आर अर्थ. अब हम यानी कि ह्यूमंस और जो एनिमल्स होते हैं, हम तो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इनहेल कर लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, बट जो प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट कंज्यूम नाइट्रोजन डायरेक्टली, येट नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग और थोड़ा आयरोनिकल हो जाता है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़रूरी भी है बट दे कांट इवन कंज्यूम इट डायरेक्टली, तो फिर प्लांट्स नाइट्रोजन लेंगे कैसे. सो दैट्स व्हेन बैक्टीरिया कम्स इन. बैक्टीरिया जो सॉइल होती है जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, यानी जो मिट्टी होती है, एंड इवन जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं यानी कि जो पौधों की जड़ें होती हैं, वहाँ पे थोड़े बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा. फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली द प्रोसेस बाय विच जो प्लांट्स से अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया सॉइल और प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि अमोनिया या नाइट्रेट. सो व्हेन दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू अदर फॉर्म्स लाइक अमोनिया एंड नाइट्रेट, प्लांट्स यूज नाइट्रोजन इन दीज फॉर्म्स. यानी क्या होता है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट ऐसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट्स फिर ये जो कन्वर्टेड फॉर्म्स है यानी कि अमोनिया और नाइट्रेट, इन फॉर्म्स को कंज्यूम करती है, एंड देन इट कंटिन्यूज विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. प्लांट्स को तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी देन प्लांट्स वोंट बी एबल टू मेक देयर फूड, एंड अगर प्लांट्स फूड नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो वी ह्यूमंस वोंट बी एबल टू ईट और गेट आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन एनिमल्स वोंट बी एबल टू गेट देयर फूड. सो इस वे में नाइट्रोजन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, एंड दैट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. इट मेक्स अप 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर.
अब क्या होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस, वी ह्यूमंस एंड एनिमल्स वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे जो प्लांट्स होते हैं यानी कि ग्रीन ट्रीज और छोटे पौधे होते हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या होता है, ये जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हम लोग यानी ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ रहता है। अब ऑक्सीजन बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड इन दिस मैनर। बट जब हम पेड़ काटते हैं, ये अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे, या फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसके कारण बहुत सारे ट्रीज कट हो रहे हैं। अब जब ट्रीज कट होते हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली कम हो जाता है। द मोर द ट्रीज द मोर इज द ऑक्सीजन, द लेस द ट्रीज द लेस इज द ऑक्सीजन। तो जब ट्रीज कट हो जाता है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। लेकिन ह्यूमंस तो उतने ही हैं, ह्यूमंस को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ट्रीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते, एंड इन अ वे एक ऑक्सीजन का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं नेवर कट ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज एंड सेव ट्रीज, बिकॉज दैट वेज एक जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो मेंटेन्ड रहता है। नाउ वी मूव अहेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेज जो एटमोसफेयर में होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन, वेयर एज ह्यूमंस एंड एनिमल्स दे यूज ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगेन फिर से थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया, जस्ट डोंट वरी, आई एम हेयर टू टीच यू इन अ वेरी सिंपल वे। क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और जो हम ह्यूमंस होते हैं वो हम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन को कंज्यूम तो कर लेते हैं, बट ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन प्लांट्स यूज कर लेते हैं। सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी बैलेंस बना हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बैलेंस बना हुआ रहता है, बट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड में भी इम्बैलेंस आ सकता है। कैसे आता है, आजकल इतने सारे व्हीकल्स हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करती है। इस स्मोक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इन स्मोक में बहुत हाई लेवल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो अर्थ का जो वेदर और क्लाइमेट है यानी जो मौसम है अर्थ का, उसको भी अफेक्ट करते हैं। अभी कैसे अफेक्ट करते हैं अब हम पढ़ेंगे। सो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अर्थ में जितनी भी हीट है उसको ट्रैप कर लेती है। अभी ट्रैप क्यों जरूरी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की हीट को ट्रैप नहीं करेगी तो ये जो हीट है ये अर्थ के बाहर फ्लो स्पेस में चली जाएगी फ्लो होके। तो अर्थ पे तो कोई गर्माश कुछ हीट बचेगी नहीं, एंड देन अर्थ विल बिकम टू कोल्ड टू लिव। बट ऐसा नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी हीट है उसको ट्रैप कर लेती है। जब वो ट्रैप करती है तो एक इफेक्ट पैदा होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिससे गैस रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ये भी एटमॉस्फेयर को ट्रैप करती है, जिससे जो है अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो एक मेंटेन रहता है। अदरवाइज अर्थ पे कोई हीट ही नहीं बचेगी, देन अर्थ विल बिकम टू कोल्ड, बहुत ठंडा होएगा, कुछ गर्माश ही नहीं होगी। तो ग्रीन हाउस गैस बेसिकली एक टेम्परेचर मेंटेन करती है एटमॉस्फेयर में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो हीट है उसको एक ट्रैप करती है। बट क्या होता है, आजकल इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतने सारे व्हीकल्स है जिसमें से स्मोक रिलीज होता है, इस स्मोक या पोल्यूशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटेंट है, जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, एंड जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा हीट। तो क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो काफी बढ़ जाता है,
एंड जब बढ़ जाता है अर्थ का टेम्परेचर, तो जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल या जिन भी एरियाज में स्नो होती है यानी कि बर्फ होती है, वो बर्फ मेल्ट होने लगती है। जैसे ही बर्फ मेल्ट होती है तो जो सी लेवल है या फिर जो ओशन और समुद्र में जो पानी का लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो इंक्रीज हो जाता है। देखिए बहुत ऑब्वियस है, अगर स्नो मेल्ट होगी तो पानी जो लिक्विड है उसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण से जो कोस्टल एरियाज है यानी वो जगह जो ये समुद्र और ओशन के एकदम जुड़ी हुई जगह है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इवन बंगाल, सो दीज आर सर्टेन प्लेसेस विच आर एडजेसेंट टू सी और ओशन, राइट। तो जब वाटर लेवल अगर सी और ओशन में बढ़ जाता है तो दीज एरियाज आर मोर प्रोन टू फ्लड्स, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार क्विकली देखते हैं क्या होता है। इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में से बहुत ज्यादा स्मोक निकलता है। इस स्मोक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है अर्थ पे, जो एटमॉस्फेयर में, वो काफी बढ़ जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है उसका मतलब होता है जो अर्थ में जो हीट है, जो गर्माश है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जब अर्थ पे जो हीट है वो बढ़ती है, इस टेम्परेचर के बढ़ने पे जो स्नो है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो ओशन और सी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ओशन और सी का लेवल बढ़ जाता है तो जो कोस्टल एरियाज है यानी कि जो एरियाज विच आर एडजेसेंट टू सी और ओशन, वहाँ पे फ्लड्स आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दे आर मोर प्रोन टू फ्लड्स। ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आजकल यूज होता है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए जो कैंपेन्स चलाती हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव अ टैगलाइन अर्थ इज मेल्टिंग। अर्थ इज मेल्टिंग मतलब इतना हीट, इतनी टेम्परेचर अर्थ पे बढ़ रही है कि इट सीम्स एज इफ द अर्थ इज मेल्टिंग। जो ग्लेशियर है, जो स्नो है, वो एक्चुअल में मेल्ट हो ही रही है और टेम्परेचर भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जो टेम्परेचर बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे फिनोमिनन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वी मूव अहेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि एटमॉस्फेयर किन गैसेस से बनता है। सो वी टॉक्ड अबाउट नाइट्रोजन, वी टॉक्ड अबाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो सब हमने अभी तक कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में पढ़ा। बट अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देर आर फाइव लेयर्स, देर आर फाइव स्ट्रक्चर्स विच मेक्स द एटमॉस्फेयर। ये पांच लेयर होती है। पहली है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड लास्टली इज एग्जॉस्फेयर। हम हर एक लेयर के बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज 13 किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज लैंड एंड इफ वी आर स्टैंडिंग हियर, तो यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर तक इज ट्रोपोस्फेयर। और जो एयर हम ब्रीथ करते हैं यानी जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वो सारी एयर इसी लेयर में होती है। सो द एयर दैट वी ब्रीथ एग्जिस्ट इन दिस लेयर एंड दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इनफैक्ट जितने भी वेदर फिनोमिनन होते हैं, जैसे कि बारिश या हेल स्टॉर्म या धुंध यानी कि फॉग, जितने भी ऐसे वेदर फिनोमिनन्स होते हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। मूविंग अहेड टू स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इज अ लेयर दैट इज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर। मतलब पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, दिस एक्सटेंड्स टिल 13 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो लेयर स्टार्ट होती है यानी कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर जो लेयर है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, एंड दैट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। अब ये जो लेयर होती है, इट इज आइडियल, इट इज परफेक्ट फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए बहुत एसेंशियल कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये है दैट द स्काई शुड बी क्लाउडलेस, इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। इवन अगर आप ये फोटो देखेंगे तो जो एरोप्लेन है उसके नीचे एक ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स है, क्लाउड्स की चद्दर है, एंड एरोप्लेन उन सबके ऊपर उड़ रहा है। तो एरिया जहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है दैट इज बेसिकली फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। सो
that layer is stratosphere. Stratosphere is ideal for flying aeroplanes because it is free from clouds, and the region which is free from clouds, ऐसी layer, ऐसी जगह is ideal for flying aeroplanes. इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ द ओजोन गैस. यानी कि जो ओजोन लेयर होती है, जहाँ पे ओजोन गैस मिलती है, वो भी इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ही आती है. तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले समझा भी था, दिस ओजोन लेयर, दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट. तो ये ओजोन गैस जो हमें सन की सनलाइट, सन की जो रेस है उससे बचाती है, वो लेयर, वो जो ओजोन गैस है, वो जो ओजोन लेयर है, वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही आती है. नाउ लेट्स मूव टू मेसोस्फेयर. नाउ मेसोस्फेयर इज जस्ट अबव स्ट्रेटोस्फेयर एंड इसकी एवरेज हाइट इज 80 किलोमीटर. सो स्ट्रेटोस्फेयर के 80 किलोमीटर की रेंज तक इज मेसोस्फेयर. एंड मेसोस्फेयर में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है. नाउ जो स्पेस होती है, यानी कि अर्थ के बाहर जो स्पेस होती है, वहां पे रॉक्स होती हैं, यानी कि चट्टाने होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्पेस रॉक. ये स्पेस रॉक स्पेस से अर्थ की तरफ बहुत स्पीड में अर्थ की तरफ आ रही होती हैं, बट एज सून एज इट एंटर्स मेसोस्फेयर, तो ये जो रॉक्स होती हैं, दे बर्न अप, इनमें आग लग जाती है. एंड ये लेयर उन इतनी जो स्पीड में जो रॉक्स आ रही है उसको अर्थ तक पहुंचने नहीं देती, 90% ऑफ द केसेस में पहुंचने नहीं देती. सो जो मीटियोराइट्स हैं, दे जस्ट बर्न अप इन मेसोस्फेयर. सो इन अ वे मेसोस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्पेस रॉक जो बहुत स्पीड में अर्थ की तरफ आ रही होती है. नाउ वी टॉक अबाउट द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, दैट इज थर्मोस्फेयर. देखिए अभी तक हमने तीन लेयर्स पढ़ी, एंड एवरी एयर इज एवरी लेयर इज वन अबव द अदर. सबसे पहली थी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर थी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर थी मेसोस्फेयर, एंड मेसोस्फेयर के ऊपर अब है थर्मोस्फेयर. सो थर्मोस्फेयर इज जस्ट अबव द मेसोस्फेयर. इसकी एवरेज हाइट इज 80 से 400 किलोमीटर. तो ये बहुत, इसकी जो रेंज है, इसकी जो हाइट है इस लेयर की, वो बहुत ज़्यादा है. प्लस यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है. इसके अलावा इस ये जो लेयर है, दिस लेयर हेल्प्स अस इन रेडियो ट्रांसमिशन. अब रेडियो ट्रांसमिशन कैसे होता है, अर्थ में बहुत सारी वेव्स होती हैं, लाइट वेव, साउंड वेव, ऐसी ही एक वेव होती है रेडियो वेव. सो एंड ये जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बहुत कॉमन होगी, ये आजकल हर सिटी हर टाउन पे ऐसे एक टावर्स होते हैं जहाँ पे ऐसे वाइट बार्स होते हैं जो ये रेडियो वेव्स को कैच करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं. तो क्या होता है, अर्थ कुछ रेडियो वेव्स अर्थ पे, जो अर्थ का जो सर्फेस है, वो कुछ रेडियो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं, और जैसे ही ये रेडियो वेव्स थर्मोस्फेयर में पहुंचते हैं, दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स देम बैक. तो इस वे में रेडियो ट्रांसमिशन होता है. थर्मोस्फेयर में कभी कभी कुछ सैटेलाइट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड ये सैटेलाइट भी रेडियो वेव्स वापस अर्थ की तरफ, इट सेंड दीज वेव्स बैक टू अर्थ. तो दिस लेयर बेसिकली हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ. अब इस लेयर के अंदर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर. सो आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, एंड दैट वाज ऑल अबाउट थर्मोस्फेयर. नाउ वी मूव अहेड टू द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट इज एग्जॉस्फेयर. अब एग्जॉस्फेयर थर्मोस्फेयर के भी ऊपर होता है. देखिए एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स होती है ना, ये एक के ऊपर एक है. सो एग्जॉस्फेयर सबसे लास्ट लेयर होती है, सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पे जो एयर होती है वो काफ़ी थिन होती है, काफ़ी पतली होती है, और यहाँ पे थोड़ी सी लाइट गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, जो कि काफ़ी लाइट वेट गैसेस होती हैं. तो ये गैसेस भी इस लेयर में पाई जाती हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द फाइव लेयर्स विच फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे पहले थी ट्रोपोस्फेयर, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर, then we moved ahead to mesosphere, then we studied thermosphere, and lastly we understood the features and important things of exosphere. So these were the five layers of atmosphere.
अब एटमॉस्फेयर के बहुत दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन्स होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको कहते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। आई एम श्योर आपने ये टर्म्स बहुत बार सुने होंगे, वेदर फॉरकास्ट। एंड इनफैक्ट जो न्यूज़ चैनल होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी नाइट एट 9 o'clock दीज न्यूज चैनल टेल्स अस द वेदर फॉरकास्ट, किस सिटी में क्या टेम्परेचर है या आने वाले दिनों में कैसा टेम्परेचर रहेगा या कैसा वेदर रहेगा, बारिश होगी कि गर्मी रहेगी, ये न्यूज चैनल बताते हैं। इनफैक्ट इवन द न्यूज पेपर्स हैव अ सेपरेट कॉलम फॉर दिस वेदर फॉरकास्ट। बट ये वेदर है क्या, बट ये क्लाइमेट जो हम इतना फ्रीक्वेंटली ये जो टर्म्स जो सुनते हैं इनका मीनिंग क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। वेदर एक आर टू आर डे टू डे चेंज होती हुई एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। मतलब कि कभी कभी जब आप उठते होगे तो सुबह बहुत गर्मी होती होगी एंड दोपहर को या शाम को हो सकता है थोड़ा वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है या हो सकता है बारिश हो जाती, या फिर हो सकता है आप जब सुबह उठे थे और स्कूल जाने वाले थे तो बहुत तेज बारिश हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज गर्मी आ गई। तो ये जो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जल्दी जल्दी बदलती है इसको हम कहते हैं वेदर। इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, इट मे चेंज फ्रॉम आर टू आर। हो सकता है आज बारिश हुई थी और कल बहुत तेज धूप निकल है। सो ये जो आर टू आर डे टू डे के बेसिस पे जो ये फ्रीक्वेंटली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं इसको कहते हैं वेदर। नाउ वी मूव अहेड टू क्लाइमेट। बट वेदर को एक याद रखने का ना एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे जैसे अगर कोई भी क्रिकेट फैन यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग बहुत वेदर फॉरकास्ट बार बार चेक करते हैं, कहीं मैच के बीच में बारिश तो नहीं होगी, वेदर फॉरकास्ट क्या बोल रहा है कि बारिश होगी या एक प्लेजेंट मौसम रहेगा या फिर सन रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब लंदन में मैचेस होते हैं या यूरोप इंग्लैंड में मैचेस होते हैं तो काफी बार बारिश हो जाती है। ये जो वेदर फॉरकास्ट है, इवन जो क्रिकेट के कमेंट्रेटर्स होते हैं दे ऑल्सो टेल द वेदर फॉरकास्ट कि आज मैच में बारिश हो सकती है। तो ये जो चेंजिंग फिनोमिना है, ये जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इसको हम कहते हैं वेदर। वेदर फॉरकास्ट होते हैं क्योंकि ये हर घंटे वेदर कंडीशंस बदल रही है, हर दिन बदल रही है, इसलिए वेदर फॉरकास्ट डेली बेसिस पे होता है। वहीं अब हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ा समझ नहीं आया होगा। तो क्या होता है, जब किसी एक जगह का जो वेदर है वो थोड़े लंबे टाइम तक सेम वेदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जयपुर में आज गर्मी है तो ये ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने तक सेम ऐसा ही वेदर रहता है, 1 या 2 महीने तक ऐसी ही गर्मी रहती है, तो हम उसे कहते हैं क्लाइमेट। दैट मीन्स वेदर कंडीशन दैट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट वन प्लेस एट सम प्लेस देन दैट इज नोन एज क्लाइमेट। तो ऐसे अगर इस परस्पेक्टिव से हम बात करें तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो बहुत हॉट एंड ड्राई होता है, यानी काफ़ी टाइम तक राजस्थान में गर्मी ही होती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। वहीं अगर मैं बैंगलोर के क्लाइमेट की बात करूँ तो बैंगलोर का क्लाइमेट काफ़ी मॉडरेट होता है, दैट इज इट इज नाइदर वेरी कोल्ड नॉर टू हॉट। तो एक मॉडरेट सा क्लाइमेट होता है, एक मॉडरेट वेदर परसिस्ट होता है लंबे टाइम तक, उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। सो आई होप ये दो चीज़ें वेदर एंड क्लाइमेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नाउ देर आर सर्टेन फैक्टर्स जो वेदर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, दे हैव एन डीप इम्पैक्ट ऑन दीज टू फिनोमिनन्स जिसे कहते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा है एयर प्रेशर, थर्ड इज विंड एंड फोर्थ इज मॉइस्चर। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट, हम पढ़ेंगे अब। सो स्टार्टिंग विद टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर फिर से एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत बार सुनते हैं, टेम्परेचर आज बहुत ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर बहुत कम हो गया, राजस्थान एक्सपीरियंसेस 45 degree टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एयर, यानी एयर में कितनी गर्माश है या कितनी ठंडक है इसकी जो डिग्री होती है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी डे एंड नाइट के हिसाब से बदलता है
और सीजन टू सीजन भी बदलता है। डे एंड नाइट के बदलते टेम्परेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है टू लर्न इट थ्रू डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, दिन के टाइम पे यानी डे टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इट मे गो अप टू 50 डिग्रीज, बट रात में यानी कि नाइट पे ये जो टेम्परेचर होता है ये सडनली 0 डिग्री तक कम हो जाता है। यानी कि जो टेम्परेचर है, डे का टेम्परेचर अलग था, नाइट का टेम्परेचर अलग है, वैसे ही सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर अलग होता है। ऑब्वियसली समर्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत गर्मी होती है, वेयर एज विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि बहुत सर्दी होती है। तो टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब एक टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज इंसुलेशन। अभी इंसुलेशन क्या होता है, इंसुलेशन बहुत ईजी है, जितना डिफिकल्ट ये टर्म सुनने में लग रहा होगा उतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इंसुलेशन मतलब जितनी सनलाइट अर्थ रिसीव करता है उसको कहते हैं इंसुलेशन, या द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी या अमाउंट ऑफ सन रेज दैट इज रिसीव्ड बाय अर्थ वो कहते हैं इंसुलेशन। अब इंसुलेशन क्या करता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है वो हम अब समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। सो अब क्या होता है, आई विल बी यूजिंग फेल्ट पैन हेयर एंड मैं एक डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या होता है, ये सन है और ये अर्थ है। क्या होता है, जितनी इंसुलेशन इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ इंसुलेशन कम होती है। अब इसका क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन। ये जो इक्वेटर है यानी कि यहाँ पे इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम द अर्थ, एकदम डायरेक्ट आती है, तो यहाँ पे जो है इंसुलेशन बहुत हाई होता है। इंसुलेशन जो है ये बहुत हाई होता है। इंसुलेशन मतलब क्या था, इंसुलेशन का मतलब था द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन टुवर्ड्स द अर्थ, यानी अर्थ जितनी सनलाइट रिसीव करता है उसको कहते हैं हम इंसुलेशन। अब इक्वेटर पे जितनी भी कंट्रीज होती हैं, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज या ब्राजील या इवन श्रीलंका भी थोड़ा इक्वेटर के पास रहता है, इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज होती है वो ऑब्वियसली सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पे हिट करती है, ये रेज एकदम डायरेक्टली उनको हिट करती है। और क्योंकि इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज को सनलाइट डायरेक्टली हिट करती है तो यहाँ पे इंसुलेशन यानी कि अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय द अर्थ इंसुलेशन बहुत हाई होता है। अब वहीं जब हम इक्वेटर से दूर ऊपर की तरफ पढ़ते हैं यानी कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे हुआ नॉर्थ पोल ये जगह, और नीचे की तरफ होता है साउथ पोल, ये तो हमें पता है। बट जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं, व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, तो क्या होता है, ये जो अर्थ की जो रेस है ये डायरेक्ट नहीं होके ये ऐसे स्लांट रेस पहुंचती है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रेस नहीं पहुंच पाती, ऐसे थोड़ा स्लांटिंग में पहुंचती है, जिसके कारण इन जो एरियाज हैं जो नॉर्थ पोल के आसपास जो एरियाज हैं या जो कैनेडा है या ग्रीनविच है, एंटार्क्टिका है, ये जो एरियाज हैं यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली हिट नहीं हो पाती। इनफैक्ट ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल ही रिसीव नहीं होती। तो क्या होता है, यहाँ का जो इंसुलेशन है वो ऑब्वियसली बहुत कम होगा क्योंकि सनलाइट जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, इसलिए इंसुलेशन इन जगहों का बहुत कम होगा। मतलब इक्वेटर पे जो है इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलेशन ज़्यादा है तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई इंसुलेशन है, मतलब वहाँ पे जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा हिट होती है। बट जैसे ही हम इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते हैं, यानी कि इंडिया की बात करूँ या इंडिया के ऊपर जो रशिया है या रशिया से ऊपर भी एक ग्रीनविच या जो नॉर्थ पोल वाली कंट्रीज है, यहाँ पे टेम्परेचर इक्वेटर के कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे जो इंसुलेशन है, यहाँ पे जो सनलाइट रिसीव होती है वो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन कम होता है। दैट्स वाई इवन एंटार्क्टिका जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली
रिसीव ही नहीं होती, वहां पे बहुत कम सनलाइट होती है और वहां पे बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मतलब सूरज उगता है, जहाँ पे सनलाइट वहां पे ग्राउंड पे टच करती है, वरना 365 डेज तो वहां पे बर्फ ही होती है। तो एंटार्क्टिका और नॉर्थ पोल में जो स्नो है, जो ग्लेशियर्स है, दीज एरियाज आर कवर्ड बाय स्नो बिकॉज यहाँ पे सन की जो सनलाइट है वो डायरेक्टली रीच नहीं हो पाती, जिसके कारण इन एरियाज में इंसुलेशन कम होता है, इन एरियाज में जो टेम्परेचर है वो कम होता है, इसलिए दीज एरियाज आर लार्जली कवर्ड बाय स्नो। तो अब आपको क्लियर होगा दैट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में बहुत ज्यादा डायरेक्टली सनलाइट आती है और जो पोल एरियाज हैं, यानी जब जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत कम रिसीव होती है, तो इक्वेटर पे इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस रीजन में, जो भी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर होती है या इक्वेटर के आसपास होती है। वहीं पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो बहुत कम होता है बिकॉज सनलाइट वहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुँचती, और सनलाइट नहीं पहुँचती तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। तो आई होप टेम्परेचर और इंसुलेशन का जो भी अभी तक मैंने समझाया, कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आर मेनली कवर्ड बाय स्नो, स्नो से क्यों कवर्ड होते हैं, इक्वेटर पे ज्यादा टेम्परेचर क्यों होता है, ज्यादा इंसुलेशन क्यों होता है, ये आपको क्लियर होगा। नाउ वी मूव टू सिटीज। अब ये साइंटिस्ट ने एक फिनोमिना डिस्कवर किया है कि जो सिटीज होती है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दैट इज टू से कि जो सिटीज होती है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली विलेज से बहुत कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज जो सिटीज होती है वो बहुत कंजेस्टेड होती है, वहाँ का जो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत कंजेस्टेड होता है, वो जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो बहुत कंजेस्टेड होता है, जिसके कारण जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है। जब हीट ट्रैप हो जाती है तो क्या होता है, विंड मूव नहीं होती और वो हीट वापस नीचे लैंड की तरफ आती है, और इस कारण से जो सिटीज होती हैं वो बहुत गर्म होती है। मोर ओवर आजकल जो बिल्डिंग्स, जो सिटीज में लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं उसमें कॉन्क्रीट यूज होती है, उसमें मेटल्स यूज होते हैं, और जो सिटीज में जो रोड होती है दैट इज मेड अप बाय वन मटेरियल दैट इज नोन एज एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट बेसिकली डाम्बर होता है। तो क्या होता है, दिन भर में जो ये सड़क और जो बिल्डिंग्स होती हैं ये बहुत गर्म हो जाती है, दे स्टोर हीट, दे गेट हीटेड अप बाय द सन रेज और जितनी भी हीट होती है, और रात को ये जो रोड्स होती हैं और जो बिल्डिंग्स होती है ये धीरे धीरे अपनी जो दिन भर की हीट है उसे रिलीज करने लगते हैं। सो दैट इज वाई जो सिटीज हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि क्या होता है, विलेजेस में काफ़ी इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स तब होती नहीं है, तो विलेजेस में जो होता है वो बहुत फ्लैट लैंड होते हैं या छोटे छोटे घर होते हैं, तो हीट जो है इतनी ट्रैप नहीं हो पाती और विंड का जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। इसके कारण जो सिटीज में है टेम्परेचर हाई होता है और जो विलेजेस में है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा विलेजेस का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। नाउ वी मूव अहेड एंड टॉक अबाउट एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर, अब हमें पता है सॉलिड लिक्विड गैस ये सब एयर, इन सब का एक वेट होता है, सिमिलरली एयर का भी वेट होता है। अब क्या होता है, एयर एग्जर्ट सर्टेन वेट। अब जो एयर का वेट है या ये जो एयर है जिसके पास वेट है इट एग्जर्ट सर्टेन प्रेशर, ठीक है। अब द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सर्फेस इज नोन बाय एयर प्रेशर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एयर प्रेशर यानी जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करती है उसको कहते हैं एयर प्रेशर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, इट एग्जर्ट्स फोर्स ऑन आर ह्यूमन बॉडीज, बट हमें तो कुछ ऐसा फील ही नहीं होता। इट इज कंटिन्यूसली एग्जर्टिंग प्रेशर, द एयर विच इज अराउंड अस इज कंटिन्यूसली एग्जर्टिंग प्रेशर
इज कंटिन्यूसली एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अस, बट हमें तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता। ऐसा फील क्यों नहीं होता? जो हमारे अंदर भी कुछ प्रेशर होता है, जैसे ब्लड प्रेशर या वाटर प्रेशर, ये जो होता है ये हमारी बॉडी भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी कि एक काउंटर प्रेशर होता है। हमारे पे एयर अपना अटैक करती है प्रेशर के थ्रू, हमारी बॉडी भी एक काउंटर अटैक करती है ब्लड प्रेशर और वाटर प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसके थ्रू। तो बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस और हमारी बॉडी भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो हमें कुछ फील नहीं होता है। वी डोंट फील एनी प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। सो दैट्स वाई वी डो नॉट फील एनीथिंग। अब एयर प्रेशर को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज सॉरी जिसको कहते हैं, हम एक डायग्राम के थ्रू भी ये समझेंगे, इसलिए आई एम जस्ट यूजिंग अ ब्लैक इंक, क्योंकि पहले मैंने व्हाइट इंक यूज की थी। अब क्या होता है, एयर प्रेशर को समझने के लिए हमें एयर सर्कुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। ये एयर सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, तभी हम एयर प्रेशर को ढंग से समझ सकते हैं। अब क्या होता है, मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगी, बट पहले लेट मी जस्ट वर्बली एक्सप्लेन दिस टू यू। क्या होता है, जो एयर होती है लैंड पे वो सनलाइट के कारण बहुत गर्म हो जाती है। एज सून एज द एयर बिकम्स हॉट इट एक्सपैंड, यानी कि जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिस्पर्स होने लगते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, इट जस्ट एक्सपैंड। और जैसे ही ये जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, जो सनलाइट के कारण हीटेड अप हुई है, ये एयर जैसे ही एक्सपैंड होती है वो लाइट हो जाती है। एक जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है, जैसे ही ये एयर हॉट एयर लाइट बनती है, इट गोज अप, इट राइजेस। अब क्या होता है, ये गर्म हवा तो यहाँ से राइज होके ऊपर चली गई, बट यहाँ पे एक स्पेस, जहाँ से ये गर्म हवा ऊपर गई वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस, एक गैप क्रिएट हो जाता है, वो फिल करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, जैसे ही सन से रेज आती है, यहाँ की जो लैंड की जो हवा है ये गर्म होने लगती है, जैसे ही गर्म होने लगती है ये एक्सपैंड होती है, ये वेट में लाइट हो जाती है, और जैसे ही इसका वेट लाइट होता है इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। अब यहाँ से जो एयर है ये तो ऊपर चली गई, बट यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हो गई, तो आसपास की जो कोल्ड एयर है यानी कि ठंडी हवा है, दिस डायरेक्टली स्टार्ट एंड दे डायरेक्टली कम एंड फिल दिस स्पेस जो खाली है। एक रेस के जैसा है, यहाँ का कैंडिडेट ऊपर चला गया, मतलब ऊपर राइज हो गया, जैसे ही वो पोजिशन खाली हुई दूसरे कैंडिडेट ने आके उसको ऑक्यूपाई कर लिया, द सेकेंड कैंडिडेट, दैट इज द कोल्ड एयर दैट जस्ट कम्स एंड फिल्स अप द एम्प्टी स्पेस। तो जो कोल्ड एयर होती है वो बहुत डेंस होती है, वो बहुत हैवी होती है, इसलिए वो ऊपर उठ नहीं पाती, क्योंकि उसका वेट जो है वो बहुत हैवी होता है, इसलिए वो सिंक ही रहती है, वो राइज हो ही नहीं पाती। वेयर एज जो हॉट एयर है वो डेंस कम होती है और वेट में भी बहुत लाइट होती है, और इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। एक बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने के लिए है हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में क्या होता है, हॉट एयर बलून के अंदर आपने देखा होगा एक फ्लेम जैसा कुछ होता है, जैसे ही वो फ्लेम स्टार्ट करते हैं तो हॉट एयर बलून की जो एयर अंदर है, हॉट एयर बलून के अंदर जो एयर है वो गर्म होने लगती है, वो हीट अप होती है। एज सून एज दैट एयर हीट्स अप इट एक्सपैंड्स एंड इट बिकम्स लाइटर इन वेट। जैसे ही वो एयर लाइट हो जाती है हॉट एयर बलून ऊपर उठने लगता है, बिकॉज द एयर विच इज इनसाइड द हॉट एयर बलून इज वेरी लाइट इन वेट, तो वो ऊपर उठ जाती है। सो ये हॉट एयर और कोल्ड एयर ये ऐसे एक सर्कुलेशन होता है जिसको हम कहते हैं एयर सर्कुलेशन। अब हम समझेंगे बेसिकली जो मैंने अभी तक बोला, ये डेंस एयर और हैवी एयर ये क्या है। मैंने बस आपको एक ऐसा, आपको लग रहा होगा कि मैम ने तो बस ऐसे टर्म्स थ्रो कर दिए कि डेंस एयर क्या होती है, लाइट एयर, हैवी एयर, ये सब क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी डेंस एयर और हैवी एयर क्या होती है एंड हाउ दिस एयर सर्कुलेट्स, ये एयर सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि डेंस एयर क्या होती है, ये है डेंस एयर।
और लेस डेंस एयर जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, हॉट एयर वगैरह की, ये लेस डेंस एयर क्या होती है? तो क्या होता है, हमें ये पता है एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एयर कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एयर पार्टिकल्स। जब ये एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, दैट इज व्हेन दे आर डेंस, तो उसको हम कहते हैं डेंस एयर। अब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा एयर के पार्टिकल्स होंगे, हमें ये तो पता है दैट एयर एक्सर्ट्स सर्टेन प्रेशर। हर एयर मॉलिक्यूल का अपना एक वेट होता है, तो जितने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा वेट एक्सर्ट होगा। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, एयर प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ वेट एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे ये सब अपना वेट एक्सर्ट करेंगे। जितना ज्यादा ये वेट एक्सर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। मतलब हाई प्रेशर इज बेसिकली जो एयर है, वहां के एयर मॉलिक्यूल्स जब बहुत पास पास होते हैं, यानी कि बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, तब हर एक ऑब्वियसली वो डेंसली पैक्ड होते हैं। और ये जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, ये एक एक अपना एक वेट एक्सर्ट करते हैं। तो जितने ज्यादा एयर पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा वेट एक्सर्ट होगा, और वेट एक्सर्ट क्या होता है, दैट इज प्रेशर। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे डेंस एयर होती है वहां पे एयर प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है। प्लस अब हमें ये पता है कि ये हर एक पार्टिकल अपना एक वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये वेट एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये एयर जो है ये हैवी होगी, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा वेट एक्सर्ट होगा। जितना ज्यादा वेट एक्सर्ट होगा उतनी ज्यादा एयर जो है वो हैवी होगी। हैवी होगी इसलिए यहाँ पे जो एयर प्रेशर, जो एयर का वेट है वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, जिससे कि ये हाई प्रेशर एरिया बनता है। यानी कि यहाँ जो डेंस एयर होती है वो बहुत हैवी होती है वेट में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है जो बहुत पास होते हैं और बहुत सारे होते हैं, हर एक मॉलिक्यूल अपना एक वेट एक्सर्ट करता है, इसलिए हैवी होते हैं। और जहाँ पे जितना ज्यादा वेट एक्सर्ट होगा वो एरिया हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। सो आई होप आपको डेंस एयर क्या होती है वो तो क्लियर होगा, ये हैवी क्यों होती है, ये हाई प्रेशर से क्यों एसोसिएटेड होगी, ये भी आपको क्लियर हो। नाउ वी मूव अहेड टू लेस डेंस एयर। तो जब एयर पार्टिकल्स डेंस नहीं होते, यानी कि बहुत स्प्रेड आउट होते हैं, बिल्कुल भी पास पास नहीं होते हैं, तब उसको हम कहते हैं लेस डेंस एयर। अब आप देखोगे दोनों स्क्वायर्स में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा वेट एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वाली फोटो में देखो, ये वाले स्क्वायर में आप देखोगे तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कम है, ये बहुत कम है, इसलिए जो है ये कम वेट एक्सर्ट करेंगे। सो यानी कि ये लाइट वेट है, ये जो एयर है ये लाइट वेट होगी, बिकॉज इसमें बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जितने कम एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कम वेट एक्सर्ट होगा, यानी कि उतनी लाइट जो है वो एयर होगी। एंड बिकॉज ये लाइट वेट है, यानी कि यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है, ये लाइट वेट है, इससे ये लो प्रेशर एरिया बनता है। क्यों लो प्रेशर बनता है, क्योंकि हर एक, हमने अभी पढ़ा, हर एक जो एयर का जो मॉलिक्यूल है उसका अपना एक वेट है, वो वेट एक्सर्ट करता है। तो एयर में जितने कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे उतना कम वेट एक्सर्ट होगा, और अगर कम वेट एक्सर्ट हो रहा है मतलब लो प्रेशर। प्रेशर क्या है, द वेट विच इज एक्सर्टेड, या वेट ऑफ द एयर विच द एयर एक्सर्ट्स ऑन द अर्थ सर्फेस। यानी जितना वेट एयर एक्सर्ट कर रही है उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। तो अगर एयर में बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कम अपना जो है वेट एक्सर्ट करेंगे, तो वो अपने आप एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। एंड जो एयर है वो भी लाइट वेट होगी, क्योंकि कम वेट एक्सर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो लाइट वेट एयर होगी। अब हम समझेंगे एयर सर्कुलेशन। तो क्या होता है, मान लीजिए ये एक सन है, दिस इज लैंड। अब क्या होता है, सन की जो हीट है, सन की जो रेज है वो लैंड पे पड़ती है, यानी कि जो हीट है वो लैंड पे पड़ती है। और क्या होता है,
यहाँ की जो एयर है, द एयर विच इज ऑन द लैंड, ये क्या होती है, हीट पड़ने से ये गर्म हो जाती है। ये जो एयर है इट हीट्स अप एंड इट बिकम्स हॉट। अब जैसे ये हॉट होती है, हमने पढ़ा व्हेन द एयर बिकम्स हॉट इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, द मोमेंट इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग, तो यानी कि वो लाइट वेट होती है। ये जो हॉट एयर होती है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे स्प्रेड होने लगते हैं, और जब स्प्रेड होने लगते हैं तो हमें पता है वो जो एयर होती है वो लाइट वेट होती है। यानी कि ये जो हॉट एयर है ये लाइट वेट होने के कारण, ये लाइट वेट होने के कारण ये राइज हो जाती है, ये ऊपर हो जाती है। जैसे ही सन से हीट आती है और वो लैंड पे टकराती है, तो जो लैंड के आसपास जो एयर है वो गर्म होने लगती है। जैसे ही वो गर्म होने लगती है तो वो उसके जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं। द मोमेंट इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग द एयर बिकम्स वेरी लाइट, एंड द मोमेंट इट बिकम्स लाइट इट स्टार्ट्स राइजिंग। और हमें ये भी पता है हॉट एयर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर, है ना, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हॉट एयर में वो बहुत स्प्रेड होते हैं, उनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, मतलब वेट जो कम एक्सर्ट होता है, और अगर वेट कम एक्सर्ट हो रहा है तो हमें पता है वो लो प्रेशर एरिया है। तो जैसे ही एयर हॉट होती है वो बहुत हल्की हो जाती है, इट बिकम्स लाइट, द मोमेंट इट बिकम्स लाइट वेट इट स्टार्ट्स राइजिंग, और वो ऊपर उठ जाती है। अब क्या होता है, ये जो एरिया है, यहाँ की जो एयर है ये तो ऊपर उठ गई, यानी कि ये जो एरिया है ये एम्प्टी हो गया, यहाँ पे गैप हो गया। अब दिस गैप ऑब्वियसली नीड्स टू बी फिल्ड, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी सराउंडिंग जो कोल्ड एयर होती है, दिस जस्ट कम्स एंड फिल्स दिस प्लेस, ये उस जगह को जाके ऑक्यूपाई कर लेती है। जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है या जो एक एम्प्टी स्पेस हो गई थी, ये कोल्ड एयर वहां जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेती है। तो ये जो हॉट एयर से मतलब कोल्ड एयर आती है, हॉट वेव ऊपर चली जाती है, हॉट एयर राइज कर जाती है और कोल्ड एयर जो है वो आके उसकी जगह ले लेती है। इस तरह से जो है एयर सर्कुलेट होती रहती है, एंड दैट इज नोन एज एयर सर्कुलेशन। यानी कि जो हॉट एयर है वो गर्म होके हीट अप होके लाइट वेट हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और नीचे की जगह जो स्पेस एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है, एक जो खाली स्पेस बन जाती है, तो आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स एयर है वो आके वो स्पेस ले लेती है। अब हमने ये भी पढ़ा था दैट कोल्ड एयर इज एसोसिएटेड विथ डेंस, यानी कि कोल्ड एयर जो होती है वो बहुत डेंस होती है और बहुत हैवी होती है, यानी कि उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं, और जितने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में होंगे वो उतना ज़्यादा वेट एक्सर्ट करेंगे। यानी कि ये हैवी गैस है, यहाँ पे बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्योंकि ये हैवी है ये एक वेट एक्सर्ट करती है, तो जहाँ पे भी कोल्ड एयर होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो आई होप ये आपको पूरा एयर सर्कुलेशन और हाउ हॉट एयर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एंड हाउ कोल्ड एयर इज एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर आपको क्लियर होगा। अब इस स्क्रीन पे बेसिकली जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका एक काइंड ऑफ रिकंसेप्चुअलाइजेशन या एक कनेक्टेड वे में हमने जो अभी तक एयर सर्कुलेशन पढ़ा वो इन अ वे जो स्क्रीन पे लिखा है उससे कनेक्टेड है। अब एयर प्रेशर जो है वो सी लेवल पे हाईएस्ट होता है। ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पे जो है सी लेवल पे बहुत हाई प्रेशर होता है, ऐसा क्यों? आप कभी कभी समुद्र के पास गए होंगे, या कभी आप मरीन ड्राइव बॉम्बे में जो है नरीमन पॉइंट यहाँ पे कभी गए होंगे, तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, राइट। ठंडी हवा मतलब क्या है, कोल्ड एयर, है ना। अब कोल्ड एयर का हमने क्या सुना, ये होती है हैवी, क्योंकि ये यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, यानी एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और जहाँ पे हैवी जो एयर हैवी होती है वो हमें पता है हाई प्रेशर से एसोसिएटेड होती है। वहीं जैसे हम माउंटेन की तरफ जाते हैं, यानी जब हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, यानी जो टेम्परेचर है सॉरी वो इंक्रीज होने लगता है, बहुत गर्मी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, यानी कि जो माउंटेन्स है यहाँ पे लो प्रेशर होता है।
अब हाई टेम्परेचर का क्या, हाई टेम्परेचर एरियाज में जो हीट होती है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्म होगी, जितनी जल्दी जल्दी वो गर्म होगी उतनी जल्दी वो लाइट वेट की बनेगी और वो ऊपर उठेगी। जितनी बार वो ऊपर उठेगी, हमें पता है जहाँ पे हॉट एयर होती है वहां पे लो प्रेशर होता है, सो हाई टेम्परेचर्स विच क्रिएट्स अ हॉट एरिया हॉट एयर, सो हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स एयर में होते हैं वो बहुत स्प्रेड होते हैं और बहुत कम होते हैं, इसलिए जो वो वेट एक्सर्ट करते हैं वो बहुत कम होता है, इसलिए हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर एरिया। और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल या एंटार्क्टिका, जिन भी जगहों पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं उसका मतलब है वहां पे ठंड है, ठंड है यानी कोल्ड एयर। कोल्ड एयर मतलब क्या, हैवी है और डेंस है, मतलब एयर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत पास है एक दूसरे के एंड वो बहुत वेट एक्सर्ट कर रहे हैं, सो लोअर टेम्परेचर एरियाज आर एसोसिएटेड विद हाई प्रेशर। तो ये हमें याद रखना है कि हाई टेम्परेचर यानी लो प्रेशर एरिया, और जहाँ पे कम टेम्परेचर है, जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत हाई होगा। और अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यहाँ पे भी मैं बताऊंगी कि हमने देखा कि कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर की जगह ले लेती है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कोल्ड एयर जो है वो हॉट एयर की तरफ मूव करती है, या फिर कोल्ड एयर मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर सो द विंड विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जो एयर है यानी जो विंड है, एयर को हम विंड भी कह सकते हैं, जो तेज हवाएं होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, यानी कि कोल्ड एयर हॉट एयर की तरफ मूव करती है। हमने अभी देखा भी जब हॉट एयर राइज हो जाती है तो कोल्ड एयर जाके उसकी पोजीशन ले लेती है, राइट। तो द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। नाउ ये एक चार इक्वेशन टाइप से मैंने आप, ताकि आपको बेटर समझ में आए, ये चार इक्वेशन मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। अगर आपको ये चार इक्वेशन, ये चार जो पॉइंट्स हैं ये हमें आपको याद हो जाएंगे, आपको बाय हार्ट याद करना है, तो आपके मार्क्स कभी कटेंगे ही नहीं, प्लस यू विल ऑलवेज रिमेम्बर ये एयर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है एयर प्रेशर, मतलब क्या, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर, एयर का वेट होता है, और जब वो एयर अपना वेट एक्सर्ट करती है अर्थ के सरफेस पे तो हम उसे कहते हैं एयर प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर एयर द्वारा एक्सर्ट किया गया है उसको हम कहते हैं एयर प्रेशर। नाउ जहाँ पे भी हॉट एयर होती है, हॉट एयर यानी कि वो लाइट वेट होती है और वो इजीली ऊपर राइज हो जाएगी, जब वो राइज होती है और जो लाइट वेट होता है मतलब जो एयर है वो बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है बहुत कम है यानी कि लाइट वेट है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा। और हमने अभी पढ़ा लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद हाई टेम्परेचर, वहीं पे आई एम सो सॉरी मेरा स्टाइलस जो है पेन का, आई डोंट नो इट्स जस्ट फ्लक्चुएटिंग, तो मैं यहाँ पे इसको बंद करने की कोशिश करती हूँ। सो आई डोंट नो इट्स जस्ट एक्टिंग अप, अभी ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो जो एयर जो है, कोल्ड एयर जो होती है वो बहुत हैवी होती है, वो सिंक करती है क्योंकि वो बहुत हैवी होती है, एंड एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी जो वेट है एयर का वो एक्सर्ट हो रहा है, जिससे ये हाई प्रेशर कहाँ होता है, लो टेम्परेचर में होता है। नाउ हमने अभी ये भी देखा दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, यानी कोल्ड एयर हॉट एयर की तरफ मूव करती है। नाउ वी कम टू विंड, अब विंड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर क्या, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया उसको हम कहते हैं विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया को कहते हैं हम विंड। अब विंड बेसिकली थ्री टाइप्स की होती है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। एज द नेम सजेस्ट परमानेंट विंड्स, यानी जो विंड का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है वो परमानेंट होता है, और डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा दैट विंड ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मतलब क्या होता है
ये जो लो प्रेशर एरिया है, हमने देखा कि इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, वहीं पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये जो है वो है, ये जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब हमने देखा इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सो टेम्परेचर इक्वेटर पे बहुत हाई होता है, राइट, जिसके कारण यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। वेयर एज हमने ये भी पढ़ा कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर जो है वो लो होता जाता है। सो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल एंड जो साउथ पोल है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है बिकॉज यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ पे सनलाइट की जो डायरेक्ट रेज नहीं आ पाती, तो इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा हीट आती है सन की तरफ से, विच बेसिकली मेक्स यहाँ की जो एयर वो बहुत हॉट हो जाती है, और हॉट एयर मीन्स यहाँ पे लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। एंड अभी हमने देखा कि जो विंड्स होती हैं दैट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो वहीं पे नॉर्थ पोल पे जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा। अब हम पहले बात करेंगे ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या होता है, ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, दैट इज द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जो रीजन है इसको कहते हैं ट्रॉपिक रीजन, और जो विंड्स इस ट्रॉपिक रीजन के बिटवीन में जो फ्लो करती है उसे हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। अब हमें पता है विंड का डायरेक्शन क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, तो ये जो विंड्स है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कंपैरेटिवली इक्वेटर से ज्यादा प्रेशर होगा, इक्वेटर में तो बहुत लो प्रेशर है, तो ये ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक रीजन से हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड मूव करती है, और जो ये जो विंड्स ट्रॉपिक रीजन में मूव करती है उसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। अब हम बात करते हैं वेस्टर्लीज की। एज द नेम सजेस्ट वेस्टर्लीज, यानी कि जो विंड वेस्ट डायरेक्शन से, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, जो विंड्स वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है उसे हम कहते हैं वेस्टर्लीज, और वैसे ही जो विंड ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है उसे हम कहते हैं ईस्टर्लीज। तो ये जो होती है ये परमानेंट विंड्स होती हैं, दैट इज थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 365 डेज, ये 364 डेज ये जो विंड्स होती है ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ये परमानेंट विंड जो होती हैं थ्री टाइप की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, यानी थ्रू आउट द ईयर इनका सेम डायरेक्शन होता है, दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। नाउ वी कम टू सीजनल विंड्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट जो पर्टिकुलर सीजन में जो विंड्स होती हैं उनको हम सीजन विंड्स कहते हैं, प्लस दे कैन चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सीजन, तो मतलब समर में इन विंड्स का डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, मॉनसून में विंड्स का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि हर सीजन में अलग अलग टाइप के प्रेशर बनते हैं, अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स होते हैं, तो सीजनल विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। वहीं अगर मैं लोकल विंड की बात करूं तो लोकल विंड्स आर विंड्स विच ब्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्म हवाएं चलती है जिसको हम कहते हैं लू, सो दीज विंड्स यानी कि लू ये एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लो होती है, एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लो होती है, जस्ट लाइक लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तो इन्हें हम कहते हैं लोकल विंड्स। अब लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज क्या होता है, लैंड से जो एयर समुद्र की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज, और उसी का ऑपोजिट सी ब्रीज, यानी जो एयर सी की तरफ से लैंड की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज। तो आई होप आपको विंड, परमानेंट विंड एंड सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, ये तीनों टाइप की विंड्स आपको क्लियर होगी। नाउ वी मूव अहेड टू मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है उससे पहले लेट्स क्विकली हैव एन एक्टिविटी।
When you keep a water pan over a gas stove, और जब आप गैस स्टोव यानी कि फ्लेम को जब ऑन करते हो तो थोड़ी देर बाद आपको वाटर वेपर्स दिखते हैं, यानी कि आपको भाप दिखती है, पानी में से भाप आने लगती है। अब इस भाप के ऊपर जब आप एक प्लेट रख देते हो तो जितने ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये प्लेट के जो नीचे वाला पार्ट होता है वह इकट्ठे हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगती है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में बहुत सारे वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तब ये नीचे आने लगते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वैसे ही अर्थ पे क्या होता है, देयर इज सन राइट, और यहाँ पे लैंड है प्लस यहाँ पे ओशन है, तो देयर इज लैंड एंड देयर इज ओशन। अब क्या होता है, अगेन जो सन की जो रेज है ये लैंड पे पड़ती है राइट। अब ये जो लैंड में और जो ओशन में है दे स्टार्ट रिलीजिंग सर्टेन वाटर वेपर्स, यानी कि यहाँ पे जो पानी है, जो ओशन में पानी है एंड इवन लैंड पे जो सब्सटेंस है, इवन लैंड पे जो थोड़ा वाटर का मॉइस्चर होता है, दे स्टार्ट इवेपोरेटिंग, यानी पानी में जो है छोटे छोटे वाटर वेपर्स ऊपर राइज करने लगते हैं। अब जितने ज्यादा वाटर वेपर और एयर में होगे, जितना ज्यादा कंटेंट वाटर वेपर का अर्थ में होगा उतनी ज्यादा एयर में मॉइस्चर होगा, ओके। एंड जितना ज्यादा मॉइस्चर उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो क्या होता है, सनलाइट से एयर, सनलाइट से जो लैंड की जो एयर है या ओशन का जो पानी है वो हीट अप होने लगता है और इनसे जो निकलते हैं वो छोटे छोटे वाटर वेपर्स हैं। ये वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ राइज करते हैं, दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स, एंड जितना ज्यादा एयर में वाटर वेपर होगा उसको हम कहते हैं एयर में उतना ज्यादा मॉइस्चर है, और मॉइस्चर को हम, जितना ज्यादा एयर में मॉइस्चर होता है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। सो आई होप वाटर वेपर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी आपको क्लियर होगा। सो एयर में जितने ज्यादा वाटर वेपर हम कहते हैं उतनी ज्यादा एयर में मॉइस्चर है, एक चिपचिपापन होता है एयर में राइट। सो जितना ज्यादा मॉइस्चर है उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो ये हमें क्लिक करना चाहिए कि जो एयर है उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स है। अब क्या होता है, ये वाटर वेपर्स ऊपर की ओर जाते रहते हैं, दे आर लाइट वेट, दे राइज अप एंड दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स। अब क्या होता है, एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ये जो वाटर वेपर है, हॉट वाटर वेपर, ये कूल होने लगते हैं, और कूल होने के बाद क्या होता है, ऑल ऑफ दीज वाटर वेपर्स, एक इनका एक ग्रुप बन जाता है, दे मेक अ मास ऑफ वाटर वेपर, एक वाटर वेपर के बहुत ग्रुप बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं क्लाउड, यानी कि क्लाउड इज नथिंग बट इट इज अ मास ऑफ वाटर वेपर। क्लाउड में बहुत सारे वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये क्लाउड हैवी हो जाता है, यानी कि जब यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेपर्स जमा हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट हो जाता है यानी जितने भी इसके अंदर वाटर वेपर थे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस अर्थ के, अर्थ पे गिरते हैं, किसके फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए बहुत इजी प्रोसेस है ये, वाटर वेपर के फॉर्म में लैंड और ओशन से वाटर वेपर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जितना ज्यादा वाटर वेपर होगा उतना हम कहते हैं एयर में मॉइस्चर है, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी है, एयर में बहुत ह्यूमिडिटी, आज बहुत ह्यूमिड दिन है, स्पेशली ह्यूमिड बहुत हो जाता है जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश होती है तब एयर में जो वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है। बट ये वाटर वेपर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एक डिस्टेंस के बाद ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं, जैसे ये ठंडे होते हैं एक क्लाउड फॉर्म होता है, एक वाटर वेपर का एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है विच इज नथिंग बट नोन एज क्लाउड। जब इस क्लाउड में बहुत सारे वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं दैट मीन्स क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है, एंड व्हेन इट बिकम्स हैवी तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं पानी के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे इज नथिंग बट रेन्स। प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है,
और बहुत अलग फॉर्म हो सकते हैं, बट इस वे में यहाँ पे हो रहा है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ रहा है प्रेसिपिटेशन, इसको हम कहते हैं रेन। सो आई होप ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और जो प्रेसिपिटेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा। जब वाटर वेपर ओशन और लैंड से ऊपर की तरफ जाते हैं भाप बन के, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, वो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। जब यहाँ पे क्लाउड के फॉर्म में ये वाटर वेपर इकट्ठे हो जाते हैं, एंड व्हेन द एक यहाँ पे जो वाटर वेपर यू नो इकट्ठा होने लग जाता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था, जब पैन में से बहुत भाप निकलती है एंड व्हेन वी कीप अ प्लेट, तो छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उसके ग्रुप को कहते हैं क्लाउड। और ये कैसे बनते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है तो इट बर्स्ट, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के वे में वापस नीचे आता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। नाउ जो अब तक हमने पढ़ा बस वही स्क्रीन पे लिखा है, वही फिर बार रिकंसेप्चुअलाइज करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज, किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। जब लैंड एंड वाटर बॉडीज में जो एयर है या फिर जो पानी है वाटर बॉडीज का, जब वो बहुत गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, तो वाटर फॉर्म, वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर राइज होने लगते हैं। द मोर द वाटर वेपर्स, मोर विल बी द मॉइस्चर इन द एयर। मॉइस्चर, जब एयर में मॉइस्चर होता है तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। यानी जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर होंगे एयर में, उसका मतलब है एयर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, चिपचिपापन है। और जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा यानी उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। मोर द ह्यूमिडिटी, मोर विल बी अ ह्यूमिडिटी। नाउ एज द एयर गेट्स वार्मर द कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। अब क्या होता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, जितना यहाँ से वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, जितनी हीट होती है उतना ज्यादा ये जो एयर है ये उतने ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर वेपर की, गर्मियों के दिन में जब एयर बहुत वार्म होती है, बहुत गर्म होती है, तो जो इसकी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ये बहुत इंक्रीज हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, एयर में बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं। और हमने अभी पढ़ा, जब बहुत ज्यादा वाटर वेपर होते हैं तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, जब मॉइस्चर होता है तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, सो ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। नाउ अगेन हमने क्या कहा, जब वाटर वेपर थोड़े ठंडे होने लग जाते हैं, जब वो राइज होते होते जब थोड़ा ठंडा होने लग जाते हैं, दे स्टार्ट कंडेंसिंग एंड दे फॉर्म, दे मेक अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। एक इन वाटर वाटर वेपर का एक ग्रुप बन जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और उसे हम कहते हैं क्लाउड। जब क्लाउड इन वाटर वेपर से बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, देन दीज क्लाउड्स बर्स्ट एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर ड्रॉपलेट्स वापस आती हैं, उसको हम कहते हैं रेन। नाउ ये जो प्रेसिपिटेशन है यानी जो रेनफॉल है, इससे जो है ग्राउंड वाटर यानी ग्राउंड के जो नीचे जो वाटर लेवल है ये इंक्रीज हो जाते हैं, एंड ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, बिकॉज प्लांट्स जस्ट यूज दैट ग्राउंड वाटर फॉर देयर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब जहाँ पे जो हिल्स होते हैं वहां पे अगर हम ट्रीज नहीं रखेंगे, इफ द ट्रीज ऑन द हिल्स आर कट, तो जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, वो ऐसे ही बह जाता है नीचे की तरफ जो है वो बह जाता है। और जो लो लाइंग एरियाज है यानी कि जो सिटीज एंड जो टाउन्स उन हिल्स के जो नीचे हैं, वो नेबरहुड एरियाज, वहां पे बाढ़ आ जाती है। बिकॉज क्या होता है, ये एक लो लाइंग एरिया हिल है, अब यहाँ पे कोई ट्रीज ही नहीं है, ट्रीज पानी एब्जॉर्ब करते हैं, बट यहाँ पे अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो पानी जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जो फ्लो हो जाएगा। तो यानी कि जो नीचे के यहाँ पे जो एरियाज हैं, जो टाउन्स हैं, जो सिटीज हैं, वहां पे ये पानी सीधा फ्लो होते 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 आएगा और वहां पे फ्लड आ सकते हैं। द लो लाइंग एरियाज आर मोर प्रोन टू फ्लड्स, बिकॉज जो ट्रीज ही नहीं है तो पानी एब्जॉर्ब कैसे होगा। इसलिए बार बार कहते हैं सेव ट्रीज, बिकॉज दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आर वेदर एंड क्लाइमेट्स। अगर फ्लड से, अगर बाढ़ से बचना है तो प्लांट मोर ट्रीज, डू नॉट कट ट्रीज, जस्ट सेव मोर ट्रीज एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अब रेनफॉल तीन टाइप की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल,
ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल, ये तीन टाइप की रेनफॉल होती है। अब तक हमने इस पूरे चैप्टर को जो है वो कवर कर लिया है। वी स्टार्टेड विथ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, फिर हमने पढ़ा कि एयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पांच लेयर्स होती है उसके स्ट्रक्चर की वो क्या क्या होती है। फिर हमने पढ़ा वेदर और क्लाइमेट दोनों क्या फिनोमेना होते हैं, एंड देन देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट। सो आई होप आपको अभी तक जो भी पढ़ाया सब कुछ क्लियर होगा। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड नाउ लेट्स कम टू अन अकेडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर्स, यानी कि जो अन अकेडमी जो फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फ्री स्पेशल क्लास में आपको रियल टाइम इंटरैक्शन मिलता है, यानी कि आप एजुकेटर से उसी टाइम पे इंटरैक्ट कर सकते हो। एजुकेटर कुछ क्वेश्चंस पूछता है, कुछ पोल्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इट्स मोर लाइक KBC, द ओनली डिफरेंस बींग देयर इज नो अमिताभ बच्चन बट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। तो लाइव पोल्स होते हैं, क्वेश्चंस एजुकेटर जो है वो पूछता है ना, आप आंसर कर सकते हो। इनफैक्ट एक पोल लीडर बोर्ड भी होता है ताकि आप देख सकते हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आंसर दे रहे हैं कौन कितने आंसर दे रहा है, आपने कितने आंसर दिए, आपने कितने गलत आंसर दिए और आपके फ्रेंड्स ने कितना आंसर दिया और क्या क्या आंसर दिए। सो फ्री क्लास फ्री स्पेशल क्लास के भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो देन यू गेट टू लर्न फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर हाउस, यू गेट स्टडी मटेरियल, आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, आपको टॉप एजुकेटर्स के थ्रू पढ़ने का चांस मिलता है, यू पार्टिसिपेट इन लाइव टेस्ट सीरीज और आपको एक मेंटर मिलता है जो आपको गाइड करता है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो एक प्लेटफॉर्म है बट इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के। तो अगर आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपकी स्क्रीन पे प्राइस दे रखे हैं। सो देर आर सर्टेन पैकेजेस, 24 मंथ का पैकेज होता है, 18 मंथ का पैकेज होता है, 15 मंथ का पैकेज होता है, 12 मंथ का पैकेज और 6 मंथ के भी पैकेज अवेलेबल है और इन सब पैकेजेस की प्राइस लिखी है। वेयर एज आप स्क्रीन के दूसरे साइड देखोगे तो जो 10% डिस्काउंट, ये 10% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, तो ये जो कोड है PJAIN10, जब आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो आपको स्क्रीन पे वो रेट्स भी दिख रहे हैं कि जब 10% डिस्काउंट होने पे वो रेट्स कितनी कम हो जाती है, कितनी नॉमिनल है, कितनी यू नो रीजनेबल प्राइसेस हैं। तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आप अभी अन अकेडमी को सब्सक्राइब करो, अभी जो पैकेजेस हैं जो भी आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको पैकेज लेना है, जिस भी कोर्स के लिए लेना है, 6 months, 12 months, 18 months, आप वो पैकेज लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड PJAIN10 बिकॉज तभी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। नाउ मूविंग अहेड टू आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है, एक देयर इज अ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। होता है ना व्हेन वी ट्रैवल इन प्लेन तो एक बिजनेस क्लास होती है और एक इकोनॉमिक क्लास होती है, तो जाते तो दोनों सेम ही डेस्टिनेशन पे, बट क्या होता है जो बिजनेस क्लास होती है वहाँ पे थोड़े और ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं और ज़्यादा लग्जरी होती है और बेनिफिट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर क्लास। तो वैसे ही नॉर्मल सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी के प्लान पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा बेनिफिट चाहिए देन यू सब्सक्राइब टू द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। फीचर्स आपके स्क्रीन पे है, यू गेट अ पर्सनल मेंटर, एकदम एक पर्सनल गाइड आपको मिलता है जो आपको गाइड करता है, एक लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, यानी आपके जितने एकेडमिक डाउट्स हैं आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ, आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, प्लस यू एक एजुकेटर और पेरेंट का कनेक्ट होता है, सो इवन द पेरेंट्स नो कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना उनने प्रोग्रेस किया है। क्योंकि एक बार आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे ना, स्पेशली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। वी गारंटी यू आपके रिजल्ट्स इम्प्रूव होंगे क्योंकि आपको पर्सनल मेंटर मिल रहा है, आपको लाइव टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिल रहे हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ अन अकेडमी के बेनिफिट्स के बारे में। आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए,
जस्ट सब्सक्राइब टू द अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक या नॉर्मल। अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अगर प्राइस की बात करें तो अगेन आपकी स्क्रीन पे है, देर आर डिफरेंट पैकेजेस, और जो 10% डिस्काउंट के साथ जो प्राइस है, अगेन वेरी नॉमिनल, वेरी रीजनेबल प्राइसेस, वो आपकी स्क्रीन पे है। ऑल यू हैव टू डू टू गेट दिस 10% ऑफ इज यूज माई कोड PJAIN10। नाउ That was all from my end. Please like this video, share this video and subscribe to the Unacademy channel. जब आप लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तो हम जैसे एजुकेटर्स को बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड देन वी ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज टुगेदर यू एंड वी कैन क्रैक एनी एग्जाम, सो लेट्स क्रैक इट। दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।